असत्य पर सत्य की जीत के पर्व विजयदशमी को आज रायसेन में भी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। विजयदशमी के बारे में दो मान्यता प्रसिद्ध है। एक मां दुर्गा ने 9 दिन तक महिषासुर से युद्ध करने के बाद 10वें दिन विजय हासिल की थी, इसीलिए विजयदशमी पर्व को मनाया जाता है। हमारे संवाददाता अजय गोहिल ने जायजा लिया, देखिए ये खास रिपोर्ट। असत्य पर सत्य के विजय के त्योहार विजयदशमी का पर्व आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। रायसेन की बात करते हैं तो हम रायसेन के स्थानीय दशहरा मैदान पर इस समय मौजूद हैं। कुछ ही घंटों बाद यहां भी दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा और 35 फीट ये ऊंचा रावण के पुतले को दहन किया जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं कि ये 35 फीट ऊंचा रावण का पुतला भी एक मैसेज दे रहा है कि जहां इसकी ढाल पर लिखा है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं, तो वहीं ये रावण का पुतला, रावण जो है वो मास्क लगाकर ये संदेश दे रहा है कि कोरोना खतरनाक बीमारी है तो इससे बचने के लिए मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तो वहीं वैक्सीन भी जरूर लगाएं। लेकिन इस कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं आपको बताना चाहूंगा कि विजयदशमी पर्व के लिए दो कथाएं मान्यता प्रचलित हैं, जिसमें एक कथा कहती है कि माँ दुर्गा ने 9 दिन के लंबे युद्ध के बाद 10वें दिन महिषासुर रावण का वध किया था, उसके बाद से विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। तो वहीं दूसरी मान्यता कहती है कि भगवान राम ने लंका और रावण पर विजय हासिल की थी, उसके बाद जब वो अपने लौटे थे तब से लेकर आज तक विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन कुछ भी हो, ये 35 फीट ऊंचा रावण एक संदेश दे रहा है कि आज मुझे जलाया जाएगा, तो कृपया बुराइयों को छोड़ें और अच्छाई को अपनाएं, क्योंकि बुराई की हमेशा हार होती है और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। इसीलिए ही जो विजयदशमी का पर्व है वो असत्य पर सत्य की जीत के साथ मनाया जाता है। अजय गोहिल, इंडिया।